क्योंकि एक्सपांसन होगा वो होगा, क्योंकि सर्दी जो होता है ना ज्यादा सर्दी पड़ती है, हाँ। तो सिकुड़ता जाता तो ये उसको मेंटेन करता है। इसी जी पॉइंट है ना, ये यहाँ तक भी आ जाएगा ना तो भी गाड़ी निकल जाएगी। अच्छा, ये मतलब इतना गैप, हाँ वो भी होगा ना तो भी गाड़ी निकल जाएगी सिंगल पे, क्योंकि जो रेल का पहिया होता है ना वो यहाँ तक रहता है। अच्छा भैया ये बताइए, रेल पटरी से बाहर क्यों नहीं उतरती है, इसका रीजन क्या है? पहिये में कुछ नहीं उतरेगी ना, पहिये के अंदर किनोर रहता है, किनोर जो ये यहाँ तक इतना रहता है, जो निशान दिख रहा है ना इतना, यहाँ तक उतर ही नहीं सकती। और इंजन में ऐसे सिस्टम लगे रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली लाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। यदि लाइन यहाँ से सीधा है, वहाँ से थोड़ा इधर भी हो गया ना, तो जो पहिए रहते हैं इंजन के वो थोड़े हो जाएंगे। ऐसे उतरने का रीजन क्या होता है, मतलब कभी कभी उतर जाती है, बहुत ही क्रिटिकल केस में उतरती है, कभी कभार होती है। जैसे इंजन के जो सस्पेंशन बुश होते हैं, जो इंजन के जितने भी पहिए होते हैं उनको मेंटेन करते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, यहाँ से लाइन थोड़ी चौड़ी है और वो नहीं उसके अकॉर्डिंग नहीं आगे हुए तो वो फिसल जाता था, इसलिए उतर जाता है। और ज़्यादा इसको क्या बोलते हैं, इसको रेल को इनमें ये की होती है, की इसको चाबी बोलते हैं, चाबी। इसका यूज़ क्या होता होगा, इसको इसको बॉन्ड करके रेल इसको बॉन्ड करके बांध के रखा है, ये ज़रूरी है। ये स्लीपर भी सही है, स्लीपर ये पहला सीमेंट का इसी जी स्लीपर है ना, इसी जी पॉइंट बोलते हैं इसको, नॉर्मल इसका बेड कम होता था, लेकिन पहले नैरो गेज चलता था छोटा वाला, जो आपने देखा होगा बालाघाट, ये मीटर गेज है ना भैया, ये कौन सा गेज है? ये ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज 1.2 1.67 रहता है ना, तो ये उसको मेंटेन। अभी गर्मी में जब होगा ना आप देखेंगे, गर्मी में आएगा तो पूरा यहां तक चिपक जाएगा, ये यहां से तो उसके उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे इस तरफ तो ये ब्रिज का मामला है तो यहाँ से तो काटेंगे नहीं, तो इस तरफ से हम उसको लाइन काट के फिर उसको वापस अपने उस पर कर देते हैं, वो पूरा वेल्डिंग करके, जो ये वाला जॉइंट जो सर पूछ रहे थे अभी थर्मल वेल्डिंग, ये जो ईसी जो पॉइंट होता है 4 किलोमीटर दूर पर रहता है ना, हर चार एवरी 4 किलोमीटर दूर पर ईसी जो पॉइंट मतलब प्रोवाइड करते हैं, आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैक्सिमम कम से कम 4 और मैक्सिमम 6 लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये तो स्टेशन का आपको 3 किलोमीटर के अंदर अंदर गेट मिलेगा, पूरे जहाँ से ऑल इंडिया में जितना भी 3000 किलोमीटर है, हर 3 किलोमीटर 70000 किलोमीटर ऑल इंडिया में, ये इसकी साइज मतलब लिमिटेड नहीं रहती ना कुछ भी, ऑल इंडिया में टोटल ट्रैक 70000 किलोमीटर बिछा हुआ है, 70000 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, हर पूरे इंडिया पर एक फाटक मिलेगा, हर किलोमीटर देखा होगा, फिर उसके बाद अब्दुल्ला गंज स्टेशन आ गया, फिर उसके बाद उमरिया गेट है, उसके फिर बाद भिंडर की गया है, उसके बाद फिर बड़खेड़ा गेट है, फिर बड़खेड़ा स्टेशन है, फिर मिडघाट बुजुर्ग 2 किलोमीटर में आपको ये यहाँ पे वो किस निकली हुई भैया, पहले आजादी के टाइम पे कुछ 74000 अगर दोनों तरफ निकला तो प्रॉब्लम होता है, अगर इसमें 10 भी निकाल दिया इकट्ठे, 10 इस तरफ और 10 इस तरफ, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब दोनों तरफ से एक एक पास दोनों तरफ नहीं होना चाहिए ना, मतलब यहाँ पास ए भी ना निकाले, एक निकल जाएगी कोई नहीं, एक का ही अगर एक तरफ का अगर 10 भी निकल गया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस तरफ का लगा रहता है क्रॉसिंग पे बनता है, और यहाँ पे रास्ता नहीं होगा वहाँ पे भी फाटक बनाना पड़ेगा 4 किलोमीटर पे, हाँ सब जगह आप होशंगाबाद चले जाओ, जंगल में बुधनी घाट जो है वहाँ आपको गेट मिलेगा, भले ही वहाँ पे कोई आवा जाने साइड में रोड मोड कोई मतलब नहीं, 3 किलोमीटर में मिलता है, चार तो आपको 4 पहाड़ी काट के क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वहाँ गेट होगा, क्योंकि गेट के क्या होता है अभी सर्दियों में हर 2 आदमी 2 किलोमीटर में चलता है, अच्छा रात भर में 3 राउंड लगाता है वो, 11 बजे शुरू होगा, जैसे उसको दिया नूरगंज से ये आगे वाला गेट सिमराई वाला, तो वो 11 बजे पहला राउंड वहाँ से शुरू करेगा, तो इधर आके रुकेगा, फिर वहाँ से 1-2 घंटे बाद वहाँ से फिर निकलेगा, वो यही चेक करते ही जाएगा कहीं सर्दियों में टूट तो नहीं गई, अच्छा एक्सीडेंट हो रहे हैं इसलिए, इसलिए ये 12 महीने चलता है, शुरू से ही चलता आ रहा है, नहीं तो फिर जो अभी जो हो जाते हैं बीच में जो इतने सारे यानी एक्सीडेंट वगैरह उसका जो वो कुछ ना कुछ कमी रहती तब है ना, जो सही से सुपरविजन नहीं हो पा रहा होगा उसका, यही रीजन है, अभी जो मुगल सराय में हुआ था जो आगे लाइन ही नहीं थी, हाँ ना तो इंदौर पटना वाला आप रेलवे की तारीफ नहीं करके मतलब
सही तो जो रियलिटी है वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना इंडिया में।